कुछ दिन पहले मैंने पुणे के मशहूर काका हलवाई की चंद्रकला खाई। इसके पहले बाइट में ही इसकी मैं फ़ैन हो गई, तो सोचा क्यों ना रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर बनाया जाए। इसकी खासियत ये है कि खूब सारे बना के रखो, कई दिन तक फ्रेश रहते हैं। चलिए पेट पूजा के किचन में इस रक्षाबंधन को बनाते हैं कुछ खास चंद्रकला मिठाई के साथ। बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और टेस्टी तो बनेगी ही ये वीडियो पूरा देखने पर। तो चलिए बनाते हैं आज चंद्रकला। तो इस चंद्रकला को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है मैदा। लगभग यहाँ पे हमने 200 ग्राम लिया है, साथ में नमक आया है। और फिर इसमें डालते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सूजी, और ये आता है 2 चम्मच घी। इसे पहले आपको अच्छे से मिलाकर लेना है। तो इससे क्या होगा, ये जो चंद्रकला है वो खस्ता बनेगा और सख्त भी बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये हो जाए तो इसका मतलब ये आटा रेडी है। अब थोड़ा पानी लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिया है 1 ग्लास पानी। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें पानी ऐड करना है। ये देखिए ये आटा थोड़ा आपको सख्त गूंदना है, बिल्कुल पराठे की तरह, रोटी बनाते हैं उस तरह नहीं। ये देखिए हमने गूंद कर ले लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इतना पानी हमें लगा है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें ऐड किया था और 3 से 4 मिनट इसे गूंदते रहना है। और थोड़ा सा बटर लगा के इसे हमें कपड़े से ढक देना है, ये गीला कपड़ा है। चलिए एक बर्तन में हम ऐड करते हैं 2 कप चीनी, साथ में इसमें ऐड करते हैं लगभग 1 कप पानी, थोड़ा सा केसर इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और उबालने रखते हैं। इसे उबाल आने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसे हमें स्ट्रिंग जैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल सादा गुलाब जामुन की तरह ही रखना है। फिर एक बर्तन ले और उसमें डाले 1/2 किलो जितना मावा, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए लगातार भूनते रहना है। थोड़ा सा ये नरम हो जाए तो इसे एक बोल में निकाल ले। ये देखिए ये थोड़ा गर्म है, तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखना है। बस 5-10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने रखे। फिर यहाँ पे हमने कुछ लिया है ड्राई फ्रूट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है लगभग 3 टेबलस्पून, जैसे बादाम, काजू और पिस्ते हैं, तो इसमें हम ऐड करते हैं। और साथ में थोड़े बारीक कटे हुए हम किशमिश में डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना, और इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। एक ध्यान रहे कि ये आप ठंडा होने पर ही डालिएगा। चलिए एक मिक्सर जार ले और उसमें डाले 5 चम्मच चीनी। इसे अच्छे से ग्राइंड करके हमें लेना है, साथ में इलायची ऐड करके। तो 3 हरी इलायची हमने ली है, और ये देखिए हमने पाउडर बना कर लिया है ना? ओके, तो अब इसमें हम ऐड करते हैं जो हमने मेवे का मिश्रण तैयार किया, उसमें हम ऐड करेंगे। चीनी आपको तभी ऐड करनी है जब ये मावा ठंडा हो जाए, वरना जो चीनी है अपना पानी छोड़ेगी और ये जो मिश्रण है वो पतला बन जाएगा। चलिए अब आटे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार इसे अच्छे से गूंद लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और बिल्कुल हम जैसे तंदूरी रोटी बनाते हैं उसी तरह एक बड़ा सा पेड़ा ले। इस 200 ग्राम के मैदे में हमने बनाया है इस तरह 4 लोई। सूखा आटा ले जो हमने मैदे का ही इस्तेमाल किया है, और अच्छी तरह से इसे हम बेल लेते हैं। इसे ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला, हल्के हाथों से इसे आपको बेलते रहना है। ये देखिए अब एक लेते हैं कटर, हमने यहाँ पे बोल लिया है, आप कुकी कटर भी ले सकते हैं, और इस तरह से हम शेप देंगे, एक सरी का शेप हो जाएगा। ये देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं साइड से। एक्स्ट्रा जो लोई तैयार हो चुकी है उसे हम साइड में रखें और अगले लोई में इसे ऐड कर लें। ये देखिए इसकी थिकनेस लगभग है इसका 0.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हमने सारे लोई के पूरियां बना कर ली है। और इसे ढक देना है आपको
गीले कपड़े से। चलिए एक पूरी में हम डाल देते हैं लगभग एक चम्मच जितना ये मेवा जो का मिश्रण हमने तैयार किया है। साइड से हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले और जो दूसरी पूरी है वो अच्छे से चिपक जाए। पहले तो हम इस जो मेवा है उसे हम कवर कर लेते हैं अच्छे से प्रेस करके, और फिर कोनों से हम इसे दबा कर लेंगे। आप ये टेक्निक देखिएगा, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शुरुआत में आपके जो चंद्रकला है वो थोड़े बिगड़ सकते हैं क्योंकि अगर आप पहली बार बना रहे हो, लेकिन दो तीन चंद्रकला के बाद ये जो शेप है आप, मैं श्योर हूँ कि आप परफेक्टली बना पाओगे। बस कुछ नहीं, आपको खाली इसे पिंच करना है और फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है, और ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, है ना कितना आसान इसे बनाना। तो ये बन जाता है चंद्रकला का शेप। चलिए अब जो तेल हमने यहाँ पे गरम किया है ना, वो ज़्यादा गरम नहीं है। तेल को यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए गरम किया और फिर ये जो चंद्रकला है इसमें हमने डिप किया। मैं ज़्यादा चंद्रकला ऐड नहीं कर रही हूँ ताकि जो टेम्परेचर है तेल का वो मेंटेन रहे। जब तक चंद्रकला ऊपर फ्लोट ना हो तब तक आपको इसे पलटना नहीं है। और इस तरह से हमने 2 बार पलटकर इस चंद्रकला को हमने फ्राई किया है। तो लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं इस चंद्रकला को फ्राई करने में। और जैसे हम तेल से निकालेंगे उसे हम डिप कर लेते हैं इस शुगर सिरप में। और ये देखिए हमारा ये चंद्रकला बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर या फिर बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे सजा देते हैं अच्छे से। आप इसे सूखे मेवे से सजाइए, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है थोड़े से बादाम कटे हुए। ये चंद्रकला बाहर से जितना क्रिस्प है अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जूसी है। इस रक्षाबंधन के अवसर पर ज़रूर बना के देखिएगा इस चंद्रकला को और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए रेडी हो चुका है हमारा खस्ता चंद्रकला काका हलवाई स्टाइल में। ज़रूर ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और ज़रूर इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको पेट पूजा के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।